आयरन और कॉपर की रिएक्शन की थी मेरे ख्याल से, है ना। चलिए हाँ जी केशव स्टैंड अप, केशव रिक्की रिएक्टिविटी सीरीज बोलो, रिएक्टिविटी सीरीज काशीनाथ का मान लिया, रिएक्टिविटी सीरीज हद्दी हो गई आप वाली। वो एलिमेंट्स हैं, नेम बोलो एलिमेंट्स के, के बैठ जा, बोलो कौन बोलेगा, सिमरप्रीत बोलो, इसके बाद जिंक के बाद ठीक है जी। ओके सो दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज एंड बेस्ड ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज द फर्स्ट वन इज द मोस्ट रिएक्टिव। ओके रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने का मैंने आपको राइम दी हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें? हाँ जी, हु इज गोइंग टू रिपीट द राइम, माधव बोलो, आगे कौन है आज आओ, ठीक है कौन है आज आओ, एंड लास्ट इज प्लैटिनम, वो तो आपने याद ही रखना है, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज लेस्ट रिएक्टिव। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर द आयरन एंड द कॉपर, जहां पर हमने ये कहा कि आयरन और कॉपर की रिएक्शन विद ऑक्सीजन कैसी होती है, लेस रिएक्टिव है ये, इनको हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। आयरन एंड कॉपर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, जब आप काफी देर तक उसको हीट करते हो तो ये रिएक्शन होती है। जैसे आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इट इज गोइंग टू गिव यू, बाहर निकाल देना मैंने, Fe3O4, ठीक है। This oxide is actually the combination of two oxides, FeO and Fe2O3. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कौन सा आयरन कहते हैं, आयरन 2-3 ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि उसमें टू वाला आयरन भी है और थ्री स्टेट वाला आयरन भी है, ठीक है। कॉपर एज इट इज रिएक्ट नहीं करता है, बट कॉपर की सरफेस के ऊपर जो है वो आयरन की एक कोटिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लैकिश कोटिंग, बहुत देर तक जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज, तो Cu2O बनता है, दैट अपीयर्स यू एज अ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट, सॉरी कॉपर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। अब अगर मैंने इसको अरेंज करना है बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, राइट डाउन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन एंड कॉपर, सो यू हैव टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम जिंक एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर। किस रिएक्टिविटी में अरेंज करोगे इसको, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सोडियम, देन Then, पहले कौन सा आएगा, देन ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखिए, कमिंग टू द गोल्ड एंड सिल्वर, दे डोंट रिएक्ट एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिल्वर एंड द गोल्ड,
सो डैट दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू ऑर्नामेंट्स. तो जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होते हैं. दे डोंट गेट ऑक्साइड लेयर और दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. सो यू कैन राइट डाउन सिल्वर एंड गोल्ड दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जितना मर्जी टेम्परेचर हाई कर लो आप. हाँ जी बेटा. ओ उसकी अपनी है बेटा. दैट इज द कलर, नेचुरल कलर ऑफ दैट सिल्वर. सिल्वर के ऊपर नहीं आती है कभी. सिल्वर कभी भी टार्निश नहीं होता है. ठीक है. राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग. बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड लेयर, ये जो मेटल्स के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आती है इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द एल्यूमिनियम आर्टिकल्स. ओके. दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल्स, इट कैन बी यूज फॉर द एल्यूमिनियम आर्टिकल्स. जहां पर जब हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है, दैट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि जब ऑक्सीजन उसके ऊपर कवर कर जाता है, तो वो उन एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स को एक शाइन प्रोवाइड करता है. ओके. दिस ऑक्सीजन ऑन कमिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द एल्यूमिनियम आर्टिकल, इट गिव्स एक्चुअली अ शाइनी अपीयरेंस टू द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो हम इसको किसमें यूज कर सकते हैं, जो आपके डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं एल्यूमिनियम के, हम इस प्रॉपर्टी को वहां पर यूज कर सकते हैं. ठीक है. जहां पर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है हमने. यू ऑल नो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम जहां पर हमने क्या करना है. वी विल बी टेकिंग कैथोड एंड एनोड. ठीक है जी. राइट. तो जो एनोड है उसके ऊपर हमने क्या ले लेना है, आयरन का ऑब्जेक्ट ले लेना, एल्यूमिनियम का, नॉट आयरन. ठीक है. एट द एनोड साइड वी विल बी टेकिंग विच ऑब्जेक्ट, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट. और कैथोड पे हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लगा देना है, दैट इज गोइंग टू रिलीज द ऑक्सीजन. ठीक है. कैथोड पे आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है बाय द कैथोड, इट विल बी टेकन बाय द एल्यूमिनियम. ठीक है. ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है फ्रॉम द कैथोड, दिस ऑक्सीजन इट विल बी टेकन बाय द एल्यूमिनियम दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द एनोड. और ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा. तो यहाँ पर ऑक्साइड की लेयर बन जाए. ठीक है. तो डैट ऑक्साइड लेयर इट प्रोवाइड्स एक्चुअली अ शाइनी टेक्सचर टू द एल्यूमिनियम आर्टिकल्स. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग. तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग. सो एनोडाइजिंग इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड लेयर ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस, वेयर एल्यूमिनियम इज कनेक्टेड टू एनोड टर्मिनल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ओके. ऑक्सीजन फ्रॉम द कैथोड साइड इट विल बी ट्रेवलिंग टू द एनोड साइड एंड एल्यूमिनियम विल टेक दैट ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके. तो यहां पर आप एल्यूमिनियम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको शाइनी अपीयरेंस दे सकते हो यूजिंग द एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. हाँ जी दिलप्रीत, स्टैंड अप. व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर.
बेटा इतना तो पता होना चाहिए, मेटल ऑन रिएक्टिंग विद वाटर दे विल बी फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड्स। डाटा एक्चुअली बेसिक इन कैरेक्टर, ठीक है बैलेंसिंग करो इसकी। राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। हाँ जी बैलेंसिंग सोडियम के आगे टू टू। ओके सो इन द सेम वे वी विल बी गेटिंग के ओ एच, ठीक है। नाउ सोडियम पोटाशियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। सो राइट डाउन द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड सो एक्सोथर्मिक, ठीक है कि दे बोथ रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है देयर रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एक्सोथर्मिक नेचर की तरह, वैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हाँ जी दिल्ली से आ जाओ फर्स्ट डेस्क पे। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इसकी जो रिएक्शन है वो इतनी ज्यादा विग्रस नहीं होती है। द रिएक्शन इज लेस वायलेंट, बाहर निकाल देना मैंने। ठीक है जी तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो ज्यादा जल्दी एंड ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं बट जो कैल्शियम है दैट रिएक्शन इज लेस वायलेंट। नाउ वन थिंग मोर, यहाँ पर इफ यू सी NaOH एंड KOH, ठीक है ये जो आपके मेटल्स होते हैं कुछ मेटल्स जो है वो पानी में इस तरह डिजोल्व हो जाते हैं दैट दे लुक दैट दे बोथ आर ट्रांसपेरेंट और दे आर बोथ आर इक्वली डिजोल्व इन ईच अदर, जैसे सोडियम और वॉटर है तो सोडियम जो है वो पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। ओके बट देयर आर सम मेटल्स दैट एक्चुअली डोंट डिजोल्व इवनली इन द वॉटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है। कैल्शियम की जो पानी में सॉल्युबिलिटी है वो कम है। ओके कैल्शियम इज लेस सॉल्युबल इन द कोल्ड वॉटर। सो ये कैसे आपको दिखता है, हाउ इट अपीयर्स टू यू, सी व्हेन द बबल्स ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये हाइड्रोजन गैस आपने देखा ना कि बबल्स की फॉर्म में आती है, राइट। सो व्हेन द बबल्स ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस दे विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन दीज बबल्स द कैल्शियम इज एक्चुअली स्टिकिंग ऑन देम। तो ऐसे इन बबल्स के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं इनके ऊपर जो कैल्शियम मेटल है ओके इट विल बी स्टिक लाइक दिस। ओके सो जो कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी है पानी में वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्या और हाइड्रोजन के बबल्स है ना, हाइड्रोजन के बबल्स के ऊपर कैल्शियम आएगी। कैल्शियम इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द हाइड्रोजन बबल्स, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू इट, ठीक है। तो वो जो बबल्स स्टिक हो जाते हैं
मैंने अभी तो बोला कि कैल्शियम उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है जब वो बबल्स के साथ अटैच हो रहा है। मैंने स्टिकीनेस बताई है आपको कि कैल्शियम के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाएगा, वो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्या हो रहा है? चलो नेक्स्ट राइट डाउन। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो फिर वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो किस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ, एंड इट विल बी फॉर्मिंग मैग्नीशियम। एंड सेम इज द बबल प्रॉपर्टी कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इट विल नॉट डिजॉल्व प्रॉपरली इन द वाटर, सो अगेन इट विल बी स्टार्ट फ्लोटिंग। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम में फ्लोट कर रहे थे वैसे ही मैग्नीशियम में फ्लोटेशन वाला फिनोमिना होगा। नेक्स्ट राइट डाउन। मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम, अब हमने कोल्ड वाटर भी देख लिया है, हमने हॉट वाटर भी देख लिया है, अब ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? दे विल बी रिएक्टिंग विद स्टीम। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, एक चीज और है इनकी, ये जो जिंक है और ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, दे बोथ बिहेव एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? जो इनके ऑक्साइड्स हैं, यानी कि जिंक ऑक्साइड है और इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दे शो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। What is the amphoteric nature? They will react both with acid and base. ठीक है, तो अगर इनके साथ एसिड लगा हुआ है तो ये बेस की तरह बिहेव कर जाएंगे, और अगर इनके साथ बेस लगा हुआ है तो ये किसके साथ बिहेव कर जाएंगे? एसिड की तरह। ओके, सो दीज आर टर्म्ड एज amphoteric ऑक्साइड। ठीक है, सो राइट डाउन वन रिएक्शन, सो राइट डाउन वन रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद HCl, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद HCl, क्या बनेगा? यस, इट विल बी गिविंग यू एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वॉटर। सो AlCl3+H2O। ठीक है, अब अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लेट्स डू द रिएक्शन विद NaOH, क्या आएगी? सोडियम एल्यूमिनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट? हां जी सिमरप्रीत, हां जी Na, सिमिलरली डू द रिएक्शंस फॉर जिंक ऑक्साइड। हाँ जी कृष्णा, क्या बनेगा बेटा? बैठो, क्या बनेगा? Zn2। उसके बाद लिखिए रिएक्शन ZnO+NaOH। हाँ जी, इसमें क्या बनेगा? हाँ जी बोलिए बेटा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला पहले Na आएगा, बैठो पढ़ना शुरू कर दो बेटा। ठीक है जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ आ गए। अब नेक्स्ट लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ आयरन।
आयरन डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, कब करता है रिएक्ट? स्टीम के साथ, ठीक है. सो अगेन सेम रिएक्शन है, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, क्या बनेगा? सेम ऑक्साइड जो आपने पहले बनाया था, Fe3O4, ठीक है, आयरन 2-3 ऑक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. नाउ टेल मी द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. कॉपर, सिल्वर और गोल्ड नहीं रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, ठीक है. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड विल नॉट रिएक्ट. हाँ जी, एक जो खड़ा हो जाओ, रिएक्टिविटी बोलो सारे मेटल्स की. कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जो भी सारे डिस्कस किए हैं उन मेटल्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम. हाँ, पोटेशियम और सोडियम और मैग्नीशियम भी तो डिस्कस किया अभी हमने, कैल्शियम, और फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, देन कॉपर की हमने डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है. चलो बैठो. सो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर. तो सबसे ज्यादा सोडियम है और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है? कॉपर, ठीक है. तो आपने सारे मेटल्स को अरेंज कर लेना है इन दिस. वो तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कॉपर करता तो है, अभी पढ़ा नहीं है. नहीं, कॉपर नहीं कर रहा है, लास्ट कॉपर ने हमने खत्म किया है. लास्ट कहाँ तक खत्म किया हमने? आयरन तक खत्म किया, ठीक है. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नहीं रिएक्ट करता बेटा, वो सारा लीस्ट रिएक्टिव है. प्लैटिनम की तो बात ही मत करो, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है. नेक्स्ट राइट डाउन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड क्या बनता है? हाँ जी, प्रप्रीत स्टैंड अप. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड्स? वेरी गुड. अभी पीछे क्या करके आए हैं हम? मेटल के सॉल्ट्स नहीं बनाए? चलिए, राइट डाउन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. बैठो, राइट डाउन द रिएक्शन विद सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. दे रिएक्ट वायलेंटली, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है. सो Na प्लस HCl, पोटेशियम प्लस H2SO4, कैल्शियम प्लस HCl, ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन लिखो. राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम HCl के साथ और H2SO4 दोनों के साथ. ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूं रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम. नेक्स्ट राइट डाउन जिंक, एल्यूमिनियम. जिंक और एल्यूमिनियम की रिएक्शंस लिखिए. जिंक प्लस H2SO4, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू. सिमिलरली एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखो विद HCl, दैट इज गोइंग टू गिव यू. ठीक है, अब इनकी रिएक्शन जो है वो सोडियम और मैग्नीशियम से थोड़ी
लेस रिएक्टिव हो जाएगी. ओके, सो जिंक एंड एल्यूमिनियम दे आर एक्चुअली लेस रिएक्टिव देन सोडियम मैग्नीशियम. आगे लिखो, आयरन रिएक्ट्स स्लोली, आयरन रिएक्ट स्लोली. आयरन की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, तो यहां पर Fe की HCl के साथ रिएक्शन लिखो. FeCl2 और FeCl3, ठीक है, क्लोराइड और फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड बन सकते हैं. अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करूं, अगर 2 ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, सो आयरन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द जिंक एंड एल्यूमिनियम. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट डाउन. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड एट ऑल. कॉपर डोंट रिएक्ट विद HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड. रिएक्टिविटी में अरेंज करो. हां जी केशव, स्टैंड अप बेटा, रिएक्टिविटी बताओ सबकी, रिएक्टिविटी बताओ. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? फिर छोड़ दिया मैंने कैल्शियम, वो हो गया सारा. आगे बोलो, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो सारे एक में आ गए. आगे जिंक और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा है कि जिंक ज्यादा है? ऑलमोस्ट सेम है. आगे कॉपर रिएक्ट नहीं करता, ठीक है. बैठो बेटा, ये याद रखना है, दिस इक्वेशन इज एक्सेप्शनल. कॉपर की रिएक्शन विद HCl, नो रिएक्शन. कॉपर की रिएक्शन विद H2SO4, नो रिएक्शन. दिस यू हैव टू लर्न. अभी इनके साथ तो वैसे नहीं करेगा, ठीक है. नाउ वन थिंग मोर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन. Whenever a metal, ये भी बहुत important question है, लिख लो पहले question. When a metal reacts with dilute nitric acid, जब भी कोई metal जो है वो dilute nitric acid के साथ react करता है, then it don't lead to the formation of hydrogen gas. No hydrogen gas is formed. What is the reason? अब इनमें से, इन metals में से दो exceptional हैं. एक तो manganese है और एक magnesium है. They are the exception to this. मतलब ये दोनों hydrogen gas जो है वो liberate करेंगे. Okay? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मैंगनीज, Mn इज मैंगनीज, Mg इज मैग्नीशियम. तो मैंगनीज और मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, बट जो बाकी मेटल्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं तो फिर वो हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा है. ऐसा क्यों? आप फर्स्ट, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है. द नाइट्रिक एसिड इज एक्चुअली एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है?
जो दूसरों को क्या करे, एजेंट है ना, एजेंट तो दूसरों के लिए काम करेगा, कौन सा एजेंट है? तो इसका क्या काम है कि ये दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो उसने क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है इसके साथ ऑक्सीजन दे के इसने क्या निकालना है, वाटर. क्लियर? जो हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हुई होगी उसके साथ ये नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट करके क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है. एंड इट डायरेक्टली लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ द और द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. समझ आया? Yes. क्या समझ आया? ठीक है. नाइट्रिक एसिड बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड ऑक्सीजन टू द हाइड्रोजन गैस एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, क्लियर हो गया? और ये खुद कैसे बिहेव करेगा, इसकी खुद रिडक्शन होएगी, क्योंकि इसने अगर अपना ऑक्सीजन दे दिया है तो पीछे क्या रह जाएगा इसके पास, इसकी रिडक्शन होगी. देयर विल बी लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर, इसकी रिडक्शन होगी ना. रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज देयर. ठीक है, तो ये खुद कौन से प्रोडक्ट बनाएगा, इट विल बी फॉर्मिंग NO एंड NO2 एज द बाय प्रोडक्ट. ठीक है, तो रिएक्शन में साथ में NO, NO2 जो है वो रिलीज होंगे. क्लियर हो गया? नाउ राइट डाउन, लिख लो इसको, कंप्लीट कर लो. दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन which oxidizes hydrogen to produce, line complete कर लो, which oxidizes hydrogen to produce water and itself get reduced to give NO, N2O and NO2 and itself get reduced to form NO, NO2 and NO.